हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ बेकर्स। आज मैं आपको कोकोनट बार की रेसिपी बताऊंगा। इसके लिए हम पहले शुगर सिरप बनाएंगे। 200 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम इसमें वाटर ऐड करना है। इसको बॉईल कर लेना है, थोड़ा गाढ़ा कर लेना है इसको बॉईल करके। उसके बाद 250 ग्राम कोकोनट पाउडर लेना है, नॉर्मल कोकोनट पाउडर, और उसमें 120 ग्राम मिल्क पाउडर आपने ऐड कर लेना है। ये रेसिपी थोड़ी बड़ी है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। 50 ग्राम इसमें मैंने नट्स ऐड किए हैं, आप कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद जो शुगर सिरप बनाया था वो ठंडा कर लेना है उसको, और इसको कोकोनट में डाल लेना है। इसको अच्छी तरह आपने हाथ के साथ मिक्स कर लेना है। शुगर सिरप अगर आपको कम लगे, इसका पेस्ट बनाना है। अगर शुगर सिरप कम हो तो मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा आपसे डल जाए तो कोकोनट थोड़ा और डाल लें इसमें, ताकि इस तरह का पेस्ट इसका बन जाए। ये बिल्कुल ये टेक्सचर आपने लेके आना है इसमें। मैंने वीडियो लेट बनाई है इस बार, इसकी वजह ये है कि मैं बहुत बिज़ी था। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहा, तो इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर बनाऊंगा। ये रेसिपी मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, सिर्फ वॉइस नहीं लगाई थी इसमें, जो मैं अभी लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको नई रेसिपी मैं शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे लोगों तक शेयर करें। इसको मैंने ट्रे में लगा लिया और बटर पेपर इसके नीचे लगा लिया था, ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लगा लें। फ्रिज में रखने से थोड़ा ड्राई हो जाता है ऊपर वाली साइड से, इसलिए मैंने लगाया है। इसको मैंने डीप फ्रीज़र में रखा है, आप इसको चिलर में रखें तकरीबन एक घंटे के लिए। मैंने 15 से 20 मिनट इसको चिलर में रखा है। ये चॉकलेट है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है ओवन के अंदर। आप ओवन के अंदर कर लें या डबल बॉयलर में स्टीम के ऊपर रख के कर लें। मैंने तकरीबन एक मिनट इसको ओवन में रखा है, ये मेल्ट हो गई। ये चॉकलेट ज़्यादा है, जितनी मेरी यूज़ होगी उतनी हो जाएगी, बाकी रख देंगे इसको। इसके ऊपर वाली साइड पे आपने इस तरह चॉकलेट लगा लेनी है और इसको अच्छी तरह फैला लेना है, पूरी जो बार है हमारी कोकोनट की। अगर आपकी चॉकलेट अच्छी है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें, ताकि वो अच्छी तरह ऊपर लग जाए, क्योंकि अच्छी चॉकलेट थोड़ी थिक होती है, उसको जब मेल्ट करते हैं तो वो नज़र आती है ऊपर से, उसमें जो सेट करते हुए उसके ऊपर लाइन वगैरह नज़र आती हैं। तो अभी मैंने इसको दूसरी ट्रे पर रख लिया है, जिसके बैक साइड पे मैंने पेपर लगाया था वो उतार लेंगे अब इसका, और सेम उसी तरह इसको दूसरी साइड से भी चॉकलेट लगा लेनी है। इसको भी अच्छी तरह बार के ऊपर फैला लें। थोड़ा क्विकली करना है, ताकि इस तरह चॉकलेट जम जाती है जल्दी, क्योंकि ये ठंडा था तो मैंने चॉकलेट डाली तो जल्दी जम जाती है ऊपर। थोड़ा ऑयल मज़ीद डाल लें अगर इस तरह हो रहा है तो। इसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है, 20 से 25 मिनट। आपने अगर मज़ीद इसको अच्छा बनाना है तो जब चॉकलेट आप डालते हैं वो गर्म होती है, मेल्ट होती है, तो उसके ऊपर स्प्रिंगल्स या फिर चॉकलेट चिप या नट्स वगैरह आप उसको इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे यह है कि ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा।